आज हम आपके लिए लेकर आए हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्ड एस्टेट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसे कि आप ये सब पॉइंट्स देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स वी विल क्लियर दिस टॉपिक। हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्री एस्टेट। क्या मतलब है इसका? जो फ्रेंच सोसाइटी थी, जो फ्रांस की सोसाइटी थी, वो थ्री एस्टेट में डिवाइडेड थी, या थ्री फ्रांस में थ्री टाइप्स की सोसाइटी थी। फर्स्ट जो टॉप पर थी क्लर्जी, जो फादर होते हैं चर्च की, उनकी सोसाइटी थी। सेकेंड नोबेलिटी, जो उनके बाद आते थे बिजनेसमैन लाइक। और थर्ड थी उन लोगों की सोसाइटी जो अनप्रिविलेज्ड थे। आप यहाँ पे हम सेकंड टॉपिक ले लेते हैं, अनप्रिविलेज्ड क्लास, जो जिनको कोई अधिकार नहीं थे, प्राप्त नहीं थे, अनप्रिविलेज्ड क्लास थी। यह थर्ड एस्टेट था, यह थर्ड सोसाइटी थी। नेक्स्ट मिडिल क्लास। क्या मतलब है? आप कह सकते हैं या आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से लोग इसमें आते हैं। तो मिडिल क्लास जैसे कि आपको मतलब आप समझते हैं कि इसमें डॉक्टर्स, टीचर, इसमें आपके छोटे शॉपकीपर होते थे, बिजनेसमैन, छोटे टाइप के जो बिजनेसमैन होते थे, इसमें वो आते थे। पीजेंट्स मीन्स फार्मर, किसान, ये सब मिडिल क्लास। तो जो अनप्रिविलेज्ड क्लास थी, नो पॉलिटिकल राइट्स, आपको क्लियर हो ही गया होगा। ये वो क्लास थी, ये वो थर्ड एस्टेट था जिसे कोई पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे। पहले हम बात कर चुके हैं अनप्रिविलेज्ड, जिसे कोई विशेष अधिकार नहीं थे। स्पेशली मीनिंग होता है इसका, विशेष अधिकार। इसको तो उन विशेष अधिकारों में पॉलिटिकल राइट्स जो एक मेन पॉइंट होता है किसी भी सिटीजन का, मेन राइट होता है, उसमें पॉलिटिकल राइट भी नहीं था। लेकिन फ्रेंच सोसाइटी में जो थर्ड एस्टेट था, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मींस जो लोग थे, वो मच एंड मोर क्वांटिटी में थे। आप यहाँ जैसे देख रहे हैं 96 to 97% जो पॉपुलेशन थी फ्रेंच सोसाइटी की, वो थर्ड एस्टेट से ही बिलोंग करती थी। मींस वो अनप्रिविलेज्ड क्लास की थी, या आप कह सकते हैं कि वो मिडिल क्लास की ही थी। और लास्ट में पेड टैक्स। फ्रेंच सोसाइटी जो थ्री एस्टेट में डिवाइडेड थी, इसमें से जो टॉप मोस्ट टू सोसाइटी थी, वो टैक्स पे नहीं करती थी। टैक्स पे करने का किसका काम था? सिर्फ थर्ड एस्टेट का या मिडिल क्लास का। सो होप सो आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थर्ड एस्टेट जो अनप्रिविलेज्ड क्लास थी, जो एक मिडिल क्लास थी, जिसमें डॉक्टर, किसान, पीजेंट्स, टीचर्स, स्मॉल शॉपकीपर, ये शामिल थे, जिन्हें कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं था, जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। 96 to 97% फ्रेंच सोसाइटी की पॉपुलेशन थर्ड एस्टेट से ही बिलोंग करती थी। और लास्ट में जो टैक्स पे करती थी, वो थर्ड एस्टेट थी फ्रेंच सोसाइटी की। सो होप सो आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। In the last but not least, don't forget to like, share and subscribe our channel Learning Panel, ताकि आपके इसी सपोर्ट के साथ हमारी Learning Panel की टीम इसी तरह से वर्क करती रहे और आपके लिए न्यू टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाती रहे। थैंक यू सो मच।